2009 पाकिस्तान में श्रीलंका टीम की बस पर हुआ हमला जिसमें 9 लोग घायल हुए थे और 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दरअसल उस टूर के लिए श्रीलंका को नहीं बल्कि टीम इंडिया को जाना था। मेरा नाम है सर, आज हम बात करेंगे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी घटना की जिसने क्रिकेट को पाकिस्तान से लगभग एक दशक के लिए दूर कर दिया था। वैसे तो पाकिस्तान ट्रेवल करना टीमों के लिए सुरक्षा हमेशा से ही एक बड़ा इशू रहा है। मई 2002 जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज छोड़ दी थी क्योंकि उनके होटल के बाहर सुसाइड बॉम्ब अटैक हो गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अक्टूबर 2002 में सेफ्टी रीजन की वजह से ही अपना पाकिस्तान टूर कैंसिल कर दिया था। हालांकि न्यूजीलैंड ने 2003-2004 में पाकिस्तान वापस आकर अपनी कमिटमेंट को पूरा किया था। 2009 में भारत को पाकिस्तान टूर करना था लेकिन 2008 मुंबई हमले की वजह से भारत ने पाकिस्तान टूर करने से इनकार कर दिया था, जिसके रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका पाकिस्तान आई थी, जिसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंटियल स्टाइल सिक्योरिटी ऑफर की थी। अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स 3 मार्च 2009 जिस दिन यह हमला हुआ था 12 गनमैन जो कि लाहौर में छिपे हुए थे और श्रीलंका टीम का वेट कर रहे थे, जिसे सेकंड टेस्ट मैच के लिए अपने होटल से निकलकर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जाना था। जैसे ही टीम बस रोड क्रॉस करने लगी अचानक से सभी 12 गनमैन ने बस पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले बस के पहियों पर गोली चलाई और फिर बस पर और उनमें बैठे लोगों पर फायरिंग करने लगे। उसके बाद उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। एक रॉकेट जो बस की तरफ फायर किया गया था लकीली मिस हो गया और पास के एक इलेक्ट्रिक पोल से जाकर टकराया। एक ग्रेनेड जो बस के नीचे फेंका गया था वो बस के आगे निकल जाने के बाद फटा। इन सब के बावजूद बस ड्राइवर महर मोहम्मद खलील ने बस नहीं रोकी और लगातार ड्राइव करते रहे लगभग 500 मीटर तक, जब तक कि बस स्टेडियम में नहीं पहुंच गई। इसी बहादुरी के लिए खलील को बाद में तमगा एक सौगात अवार्ड भी दिया गया। बस के पीछे एक मिनी वैन भी थी जिसमें मैच रेफरी और अंपायर थे, जिस पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और वैन ड्राइवर मारा गया। बाद में एक पुलिस ऑफिसर ने मिनी वैन को सुरक्षित निकाल लिया। हमलावरों के पास AK-47 RPG लॉन्चर्स और ग्रेनेड्स थे। इन सब के बाद श्रीलंका टीम को स्टेडियम लाया गया जहां से उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा एयरलिफ्ट कर लिया गया और नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से उन्हें कोलंबो के लिए रवाना कर दिया गया। अगर इंजरीज की बात करें तो 9 लोग जिसमें से 6 श्रीलंकन प्लेयर, 2 स्टाफ, 1 रिजर्व अंपायर जो इस हमले में घायल हुए थे और 9 लोग जिसमें 6 पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर, 2 सिविलियंस और मिनी वैन ड्राइवर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। घायल हुए श्रीलंकन प्लेयर थे थिलन समरवीरा, कुमार संकारा, थरंगा परनवीताना, अजंता मेंडिस, चमिंडा वास, महिला जयवर्धने और सुरंगा लकमल। अगर हमलावरों की बात करें तो सभी हमलावर वहां से भाग निकले और कोई भी पुलिस के हाथ नहीं आया। 5 मार्च को पंजाब के गवर्नर ने बताया कि जो हमले का जिम्मेदार था उसकी पहचान की जा चुकी है लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम रिवील नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस ने लगभग 250 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया था जिसमें से 4 लोग प्राइम सस्पेक्ट थे। पुलिस ने मोहम्मद अकील जो कि इस्लामपुरा में एक स्पोर्ट बाइक का बिजनेस चलाता था इस अटैक्स का मास्टरमाइंड बताया था। पुलिस ने अकील के भाई मोहम्मद फैजल, शहजाद बाबर और रहीम यार खान को अरेस्ट किया क्योंकि इनके नाम के रजिस्टर्ड सिम इन्वॉल्व पाए गए थे। पुलिस की इस लंबी चली इन्वेस्टिगेशन में कई लोग गिरफ्तार हुए और कई लोग रेड में मारे गए लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं। क्रिकेट की सबसे भयानक घटना की वजह से पाकिस्तान को अपने ही देश, इंटरनेशनल मीडिया और ऑफिशियल से बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। एक्स क्रिकेटर इमरान खान ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जो सिक्योरिटी श्रीलंका को प्रोवाइड की गई थी वह लगभग 10 टाइम लेस है जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जाती है। श्रीलंकन बॉलर मुथैया मुरलीधरन ने कहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी अरेंजमेंट सबसे खराब था जितना कि मैंने आज तक देखा है। न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए यह दिन एक अंधेरे पन्ने की तरह है। 3 मई को हुए इस हमले के बाद 10 अप्रैल से 2009 को IPL भी होना था जो कि 45 दिनों के लिए 24 मई तक इंडिया के 9 शहरों में होना था लेकिन इस हमले की वजह से भारतीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि हमें IPL को पोस्टपोन करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि 16 अप्रैल से 13 मई तक इलेक्शन होने थे और इससे सिक्योरिटी 2 जगह में बढ़ जाती। लेकिन ऑर्गेनाइजर IPL पोस्टपोन करने के विचार में नहीं थे और इसका नतीजा ये हुआ कि 2009 का IPL साउथ अफ्रीका में हुआ। इसके अलावा 2011 वर्ल्ड कप भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में होना था लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीन लिए गए और इस तरह से हमले के बाद जो टूर और इवेंट्स पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज करने थे वो सभी पाकिस्तान के हाथों से निकल गए। अक्टूबर 2017 वो समय जब श्रीलंका टीम अटैक के बाद पाकिस्तान वापस आई थी एक T20 मैच खेलने के लिए। उसके बाद सितंबर 2019 में श्रीलंका टीम ने फिर से पाकिस्तान का दौरा किया 3 T20 और 3 ODI मैचेस के लिए और इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट से लगभग एक दशक तक दूर रहा।